कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव अली रजापुर में दबंगों की दबंगई के चलते गांव में रहने वाली ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों ने उनका गांव में रहना दूभर कर रखा है। जो उनके अत्याचार का विरोध करता है वो दबंग उसके घर पर हमला बोलकर मारपीट करते हुए उसे परेशान करते हैं। आए दिन किसी भी बात को लेकर ये लोग बेवजह ग्रामीणों के ऊपर हमला कर मारपीट करते हैं। हमने ये घटना घटी थी, मैं गाय चरा के आ रहा था घर पे। मेरे बड़े भैया भाभी घर पे ना थे और मुझसे बड़ा वाला भाई था भट्टे पे। मम्मी का कूलर टूटा हुआ था, मैं गाय चरा के आया था। मेरे घर पे आगे इन तीन लोगों ने तोड़फोड़ करी थी। कौन कौन है तीन लोग? इनका नाम है विवेक, नीशू और कल्लू। इन्होंने मेरे साथ में तोड़फोड़ करी थी घर पे आके और मुझे मारा भी था और मेरे सिर में कुहाड़ी मारी है। 11 टाँगे आए हुए हैं मेरे सिर में। क्यों करी इन लोगों ने मारपीट आपके? ये आए दिन यही मारपीट करते हैं सर, किसी के साथ में भी यही वाली मारपीट करते हैं। मुझसे नहीं, किसी के और के संग में भी, लोधा है, पंडित है, सबके संग में यही मारपीट करते हैं सर ये। कंप्लेंट करी पुलिस में? पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस पैसा खाती है, उसके बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं करती है सर। साथ ही महिलाओं के साथ भी छींटाकशी और छेड़छाड़ करना इन लोगों की आम बात है, जिसके डर से महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। जो कोई इनका विरोध करता है उसके साथ ये मारपीट करते हैं। गांव में गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब कौन लोग कर रहे हैं? भरत लाल शर्मा जी के बेटे और जो है मुन्ना लाल शर्मा जी के, और मतलब ये इन्हीं के 11 लड़के हैं, यही बदतमीजी कर रहे हैं। हम सब जगह जा रहे हैं, कुंदरकी थाने जा रहे हैं, SSP के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमने 1076 पे भी कंप्लेन की है। हमारे मतलब आदमी तो चले जाते हैं ड्यूटियों को, और हम औरतों के साथ गांव में कोई ऐसी औरत ना छोड़ी जिन्हें मतलब इन लोगों ने ना सताया हो, ना मारा हो, ना कपड़े फाड़े हो, ना बदतमीजी की हो। ये सभी औरतों के लिए मतलब बहुत बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। हमारे बच्चों को मतलब सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों को भी मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। और हमारे आदमी जो चले जाते हैं अपने ड्यूटियों पर, तो ये हमारे किवाड़ वाड़ तोड़ देते हैं, बदतमीजी करते हैं हम औरतों के साथ। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो हमें ये कहते हैं कि औरतें बदतमीज होंगी। ये सरकार है और हम जो औरतें हैं सुरक्षित नहीं है। हम लोग क्या चाहती हैं आप, क्या मांगे? हम ये चाह रहे हैं कि या तो इंसाफ चाहिए हमें, और जो है ये हमारे साथ बदतमीजी और गुंडागर्दी ना करें, हमें तो हमारी सुनवाई हो जहाँ हम जाए। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, कोई कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई, बस आज हम चले जा ले जाते हैं, पुलिस वाले आ गए और पैसे वैसे चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों का कहना है कि इन दबंगों की कई बार पुलिस से शिकायत की गई, पर पुलिस ने उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कई बार पुलिस इन्हें थाने तक ले जाकर छोड़ चुकी है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते इन दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मैंने बहुत मारा था, सारा मेरा ये हाथ उस सब सूज गया था। मैं पुनर्की थाने में भी गई थी, वहाँ पे भी मेरी कोई रिपोर्ट वपोर्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और पैसे उसे भी जाते हैं कुछ नहीं। और योगी जी की सरकार है, हम औरतें सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में क्या फायदा इस सरकार का बनने का? हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, हमें डर लगता है जब तक वापस लौट के नहीं आ रही हैं। हम देखते रहते हैं, गेट पर खड़े रहते हैं कि हमारे बच्चे कब आएंगे कब आएंगे। जब बच्चे आ जाते हैं तब हम अपने गेट बंद करते हैं, और हमारे गेट रूट सारे तोड़ दिए थे उन्होंने, दरवाजे उरवाजे। रात में 1:30 बजे के बाद सब सो रहे थे, हमारे घरों में हमला कर दिया इन्होंने 1:30 बजे के टाइम। कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? और ये भड़तू और मुन्ना, इन्होंने बाहर के गुंडे बुला लिए थे, मुरादाबाद के लड़के, और दारू उरू पिला के उन्होंने इतना हड़ा हंगामा कर दिया, लेडीजों के ऊपर भी कपड़े उपड़े फाड़ दिए और गाली दी माँ बहन की बहुत ज्यादा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर जल्द ही इनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो गांव छोड़कर कहीं और वो लोग चले जाएंगे। हमने काफी बार से देखा है लगातार यहाँ के कुछ लोग शराब पीकर दबंगियाई करते हैं, जिसके बल पर हमारे गांव से 2-3 परिवार जा भी चुके हैं सर, और उसी के सिलसिला से आज ये सारे लोग हमारे जो गांव वाले खड़े हुए हैं ये भी जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं गांव? ये विवेक शर्मा है और एक निशान शर्मा है सर, और एक कल्लू शर्मा है, मुन्ना शर्मा है, और ये और एक ललित शर्मा है। इनके बच्चे हैं, किसी बच्चे की शादी वादी नहीं हुई है सर, तो 11 लड़के हैं इन पे, तो 11 लड़कों को अपने मान के दबंगियाई करा रहे हैं वो घर में। और जो मुन्ना लाल शर्मा है सर, उन वो ग्राम सभा की जमीन भी पे भी कब्जा कर रखा है सर उन्होंने, और उसका हम विरोध करते हैं तो वो हमसे जान संभालने की धमकी देते हैं। और काफी बार हमने इनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई है, पर इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं हुआ सर, जिससे और इनमें इन पे ऑलरेडी से पहले से भी कुछ संज्ञान मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ, को भी हमने उन्हें पुलिस को भी सूचना दी थी, पर इनके खिलाफ कोई भी अभी तक पुलिस ने कठिन कार्रवाई नहीं की जिससे ये सुधर सके।
ले जाते हैं, छोड़ देते हैं और मजबूरन में आके सर इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें सारे लोगों को परिवार साथ वाले गांव छोड़ के जाना मजबूर मजबूरी पड़ जाएगी, हमारे गांव छोड़ना पड़ेगा गांव बेचकर। गौरतलब है कि इस दौरान दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से कालिंदी शर्मा, शशि शर्मा, आदेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।